प्यारे बच्चों, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बीएससी सेकेंड ईयर और क्लास 12 में है। उस नए चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तेरे बच्चों, इस चैप्टर में हम आज पार्ट फर्स्ट आज से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम आपको कई चीजों को के बारे में बताएंगे, जैसे खनिज क्या है, मिनरल इंग्लिश में मिनरल कहते हैं, अयस्क ओर इंग्लिश में ओर कहते हैं, खनिज और अयस्क, मिनरल एंड ओर में क्या डिफरेंस है। फिर बच्चों, गैंग क्या है, गैंग जिसको कि आधात्री भी कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको हम जो ओर हैं, ओर कितने टाइप के होते हैं, जैसे ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर, हैलाइड ओर, सल्फेट ओर, सिलिकेट ओर इत्यादि, टाइप्स कितने टाइप्स के हमारे ओर्स होते हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको जो मेटलर्जी है, मतलब धातु कर्म, किसी भी मेटल को उसके अयस्क से हम कैसे उस मेटल को प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे आप देखिए, ये कॉपर, हमने कॉपर की रिंग है, तांबा। अब ये रिंग कॉपर कैसे प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, चीफ ओर क्या है, तो ये सारी चीजों के बारे में बताएंगे। जैसे कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट्स है, CuFeS2। बच्चों, उसी से ये हमारा कॉपर प्राप्त हुआ है। ये कॉपर 100% प्योर तो नहीं है, लेकिन 99.9% तक प्योर है। अब बच्चों, इसी प्रकार जैसे ये गोल्ड है, ये भी मेटल है, ये सिल्वर है, ये भी मेटल है, तो ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, निकिल, जितने भी मेटल्स हैं, ये मेटल्स इनके ओर्स के माध्यम से, ओर से प्राप्त होते हैं, अयस्कों से। और प्यारे बच्चों, अयस्क कहां से मिलते हैं, अयस्क हमारे पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर, भूपरपटी होती है बच्चों, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, भूपरपटी, उसी के अंदर बच्चों हम इसको खुदाई करते हैं, खोदते हैं, तो खान बनती है, माइन बनती है, उसी खान से जो पदार्थ निकलते हैं उन्हीं को खनिज कह दिया जाता है, और फिर वही खनिज में से कुछ खनिज को अयस्क कह देते हैं। अब सारी बातों को मैं डिटेल में एक एक करके समझाऊंगा। प्यारे बच्चों, आप तो जानते हैं कि अब तक 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, 118 एलिमेंट्स, अभी और खोज बाकी है। आज तक हमारे पास जो नॉलेज है, 118 एलिमेंट्स का नॉलेज है। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है, हाइड्रोजन हमारा एटॉमिक नंबर फर्स्ट वाला एलिमेंट है, और ऑग्नेशन ये एटॉमिक नंबर 118 वाला ये एलिमेंट है, आज के डेट में ये लास्ट एलिमेंट है। बच्चों, 118 एलिमेंट में लगभग नियर अबाउट 90 एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स है, मेटल्स धातुएं हैं, और बाकी जो बचते हैं उसमें नॉन मेटल्स हैं, अधातुएं, और बच्चों कुछ जो और हैं बचते हैं उसमें वो मेटलाइट्स हैं, मेटलाइट्स।
ये एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन है। मेटलाइट्स को सब मेटल भी कहते हैं, सब मेटल। अब देखो बच्चों, मेटल्स यानी धातुएं, नॉन मेटल्स यानी अधातुएं, फर्स्ट ये सेकेंड और ये थर्ड। थर्ड क्या है? मेटलाइट्स उपधातु। बच्चों इसमें सब मेटल गिने चुने हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक को भी ले लेते हैं इसमें, सेलेनियम को भी ले लेते हैं, टेल्यूरियम को ले लेते हैं, ये हमारे सब मेटल्स हो गए। और नॉन मेटल्स में बच्चों जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, बच्चों ये नॉन मेटल्स में आते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली 90 एलिमेंट्स आर मेटल्स। यार बच्चों एक तरह से 118 एलिमेंट हैं, 118, इसका यदि 80% आप निकालें, अप्रोक्सीमेटली 80%, तो वो अप्रोक्सीमेटली 90 के पास जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब कोई भी मेटल है क्या फ्री स्टेट में रहता है? क्या जमीन के अंदर ये तांबा ऐसे गड़ा हुआ है, सोना ऐसे रखा हुआ है? नहीं, ये कंपाउंड स्टेट में जमीन के अंदर है। कुछ मेटल फ्री स्टेट में भी होते हैं, कुछ और ज्यादातर मेटल कंबाइंड स्टेट में होते हैं। मैं सारी चर्चा आपको इसमें बताऊंगा और मेटलर्जी में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए हम किन किन पदों का, किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं, सारी जिक्र हम आपको यहाँ करेंगे। जैसे इसमें आएगा, हम खान के अंदर से जब अयस्क प्राप्त किए, उसके बाद क्या किए, उसको हथौड़े से पीट कर टुकड़े बनाए छोटे छोटे, फिर क्या किए, मशीन में पीस कर पाउडर बनाए, फिर क्या किए, उसका सांद्रण किए, फिर क्या किए, उसका कभी कभी भर्जन करते हैं, कभी कभी निस्तापन करते हैं, फिर क्या किए, प्रगलन किए, फिर क्या किए, आवश्यकता अनुसार अपचयन करना होता है, रिडक्शन करना होता है, तो रिडक्शन मेथड कई हैं, हम उसका रिडक्शन करते हैं, तो इस उसके बाद लास्ट में हम लोग उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, शुद्ध करते हैं। कैसे शुद्ध करते हैं, सारी प्रोसेस हमारी ये मेटलर्जी के अंतर्गत आती है। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है, तो हमारे जितने भी वीडियो को देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, छात्र छात्राएं, अभिभावक, सभी लोगों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना करता हूं कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल बने, यही मेरा उद्देश्य है, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है। प्यारे बच्चों, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम होता है, विद्या रूपी धन से बढ़कर के कोई धन नहीं होता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक सुभाषित रत्न है जो कि किसी विद्वान द्वारा कही गई है, संस्कृत में एक श्लोक है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप लोग जरा उसको ध्यान लगा करके सुन लीजिए। विद्या और धन और शक्ति, ये तीनों किसके पास होनी चाहिए? यारे बच्चों, ये तीनों सज्जन आदमी के पास होना चाहिए। सुशील आदमी, सज्जन आदमी, साधु आदमी, उसके पास विद्या होनी चाहिए, उसी के पास धन रहना चाहिए और उसी के पास शक्ति, पावर भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आदमी सज्जन है तो विद्या का सदुपयोग करेगा, ज्ञान का सच्चा अच्छे ढंग से उपयोग करेगा, उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। धन भी रहेगा तो उसका भी वह दुरुपयोग नहीं करेगा, सदुपयोग करेगा, धन है दूसरों को दान करेगा। शक्ति, शक्ति यदि सज्जन के पास है बच्चों, तो क्या करेगा,
दूसरों की रक्षा करेगा, दूसरों को सताएगा नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा करेगा। जस्ट इसका उल्टा क्या है? यदि ये तीनों चीज बच्चों दुर्जन को मिल जाए, दुष्ट आदमी को मिल जाए, खले आदमी को मिल जाए तो क्या करेगा? विद्या पाकर के वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, मिसयूज करेगा, जिससे हमारी मानवता नष्ट हो सकती है, हमारा समाज प्रभावित होता है। दूसरा धन यदि हो जाता है तो वो दुरुपयोग करता है, अहंकार उसको हो जाता है। तीसरी बात है शक्ति होने पर वह दूसरों की मदद नहीं करता, रक्षा नहीं करता, बल्कि दूसरों को सताने का काम करता है, दुरुपयोग करता है। इसी के संदर्भ में संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक कहा गया है। विद्या जो धन है वो साधु के पास रहे, सज्जन के पास रहे, खल के पास न रहे। श्लोक बहुत अच्छा है, शक्तिम परेशान परिपीडनाय, इस तरह से करके है, विद्या विद्या मदाय धनम मदाय, जी विद्या मदाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतर ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एक बार फिर से सुन लें, विद्या मदाय धनम मदाय शक्तिम परेशां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बस इसी के साथ आज का जो मैं अपना वीडियो है यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अंत में फिर से हम अपने तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देता हूँ। कल हम आपको पार्ट सेकंड के साथ आपके पास उपस्थित होंगे, उसमें डिटेल में हर बातों को समझाते हुए समझाने का प्रयास करेंगे, और आप चाहेंगे तो नोट बना सकते हैं। तो आज मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, विथ बेस्ट विशेज एंड बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल ऑफ यू।